इतना सूनापन, इतनी थकान, इतना बोझ गम का नया क्या है? ये क्या हो रहा है? जैसलमेर जैसे खिल उठ रहा है, जैसे कि प्रकृति नाच और झूमने लग गई है, किसी के इंतजार में या किसी के स्वागत में। लगता है पवित्रता का झोंका इस ओर आ रहा है। कोई तो है जिसके पैर पड़ने से ये भूमि पवित्र होने जा रही है। देखते हैं ये हो क्या रहा है, किसके आने की स्वागत कर रही है ये जैसलमेर की भूमि। गुरु तेरे गुरु जी आए साड़ी बेड़ी, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए हमने सोचा था कि संसार में अगर हम सबको प्यार करेंगे तो हमको रिटर्न में अच्छा ही अच्छा मिलेगा, पर वही तो प्रॉब्लम है कि प्यार करते करते मेरे मन में क्या आ गया कि मेरे को रिटर्न में हर चीज राइट मिलेगा। सच्चा गुरु वो है जो मेरे घर को मंदिर बना सके, जो मेरे घर को मंदिर बना सके, जो मेरे मन के अंदर में उस ठाकुर की स्थापना कर सके, जो मुझको ऐसा ज्ञान दे। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा। ये सत्संग का लक्ष्य एक ही है कि मुझको अपने पे ध्यान देना है, लगाना नहीं है। कई लोग देखो बोलते हैं आओ बैठ जाओ, खाली हम मेडिटेशन या ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान का मैं क्या करूं जो लगाने के बाद मेरे मन के विकार वही के वही है, वो मेरा अंधकार गया ही नहीं, मेरे अंदर में वो मेल्टिंग हुई नहीं, मेरे को बात की बात समझ में आई नहीं, अभी भी अंदर में वैसे की वैसी हालत है। अपने मन के अंदर में ऐसा गुण आप एकत्रित करो, ऐसे गुण को बढ़ाओ कि मैं बातों को ना बढ़ाऊं और अंदर ही अंदर बंदों की बातों को मैं अपने अंदर गुम कर सकूं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये
मन इतनी सुंदर चीज है, मैं बोलती हूँ इतना सुंदर ये इंस्ट्रूमेंट है कि बोलता है तू मेरे को परख के देख तो सही, देख मैं तेरे को कौन सी ऊंचाइयों तक लेके जाता हूँ, लेके जा सकता हूँ, पर तू मेरे अंदर थोड़ा एक मिनट जाग के तो देख इतना क्या पड़ा है बाहर की ओर कि तू अपने अंदर के खजाने को ही नहीं देख पाता। जब तक आप चीजों को होने को पकड़ते रहोगे आप अपने ही आत्म के सच तक पहुंच नहीं पाओगे। अध्यात्म का ये पहला रूल है कि होने दो जाने दो, मन के अंदर में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है ऊंचाई की ओर लेके जाने की। आप बोलोगे मैं इतना मंदिर पूजा पाठ माला जप करता हूँ पर ये सब चीजों ने मुझको ही क्यों घेर के रखा है, सब लोग मेरे को गलत ही गलत क्यों समझते हैं? इसलिए समझते हैं कि आपने अपने अंदर की दिव्य शक्तियों पर ध्यान दिया ही नहीं है। तो गुरु के ज्ञान से ही ये दिव्य शक्तियाँ क्या जन्म लेती है, और जब अंदर की ये सुंदर सुंदर गुण और दिव्य शक्तियाँ जन्म लेती है तो बाहर की प्रकृति अपने आप इट डज वॉट एवर It takes to set itself right. ये महासत्य है, महासत्य है। संसार की सारी रिद्धि सिद्धि, सारी प्रकृति कहां पर जाके अपने आप को लीन करना चाहती है? आप में प्रेम प्यार मन में सबके लिए आशीर्वाद, भगवान भाव आत्म भाव, मेरा जीवन राइट चलेगा। अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी, अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख। तो सबसे पहले एक बात समझना, ये शरीर आपका है तो उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी ही है। एहसास करें उस ऊर्जा का जो सिर से लेके पांव तक बह रहा है। अब मैं अपने मन को लेके आऊं प्रेजेंट में, बस देखना है। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला। कोई शिष्य गुरु चरणों जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। आपके मन का भाव ही सुनिश्चित करता है कि मेरा भाग्य कैसा होगा। और किसी पर आपको ध्यान देना हो ना देना हो कोई बात नहीं, पर अपने मन के भावों पर तो ध्यान दे सकते हैं ना। कर्म फिर गलत बनता कैसे है? गलत कर्म तो मेरे मन के अंदर से ही तो बनता है। जहां मन की भावनाओं को आप थोड़ा अपने वश में कर लो तो सारी गतिविधियां पर आप विजय प्राप्त कर लोगे।
वचन दो मेरे को कि जो भी आपके इर्द गिर्द आपके घर परिवार में है, जो आपकी सेवा में है, उसकी ओर भी आप भगवान करके ही देखोगे, हाँ या ना? कर सकते हैं? चित ये ऐसा स्टोर हाउस है मन का, जिसके प्रति हमको रोजाना ध्यान देना है संत, क्योंकि ये ही हमारे आत्म अनुभूति के रास्ते पर बार बार आएगा। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जो कुछ मिला है सत का दरबार से ही मिला है, गुरु के दरबार से। माँ बाप ने तो जन्म दिया है, गुरु ने ही जीवन बनाया है दीदी। सच में ही जैसे मुर्दे में जान, क्योंकि सुनते थे कि मुर्दे में जान कोई भी नहीं डाल सकता, मगर मैं सच दावा करती हूँ हमारा गुरु मुर्दे में जान डाल रहा है। हम सब मुर्दे ही थे दीदी, अब कितना हम प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं हर समय दीदी। हाँ। हर समय दीदी, मन के जो अंदर का जो झूठ है ना, उससे मुक्ति पानी है। दीदी इतने गुरु देखे, इतने पंडित पुजारी देखे दीदी, जो अपने आगे हमको झुकाते हैं, बट दीदी आपके जैसा गुरु कहीं नहीं देखा दीदी, क्योंकि आप हमेशा हमको अंदर झुकने को बोलते हो दीदी, कभी आपने हमको अपने आगे झुकने नहीं दिया है दीदी। और जब भी हम बोलते हैं कि दीदी ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी जय हो, आप हमेशा यही बोलती हूँ संत, मेरी कृपा से नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा है। और जब हम बोलते हैं गुरु की जय हो, आप बोलते हो गुरु की नहीं ज्ञान की जय हो, ऐसा गुरु कहीं नहीं देखा दीदी। थैंक यू सो मच मुझे एक नई जिंदगी देके, लव यू दीदी। मैंने जिंदगी का बहुत कुछ हिस्सा खोया था दीदी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अब मन में इतना ठहराव है दीदी, मैं सबसे हंस के बात कर, वो पल बीत गए दीदी, गुरु ने इतनी जागृति दे दी है कि मैंने कुछ खोया ही नहीं, पाया ही पाया है। जाता है तो हर मन को सच्चा प्यार की आवश्यकता है, सच्चा प्यार। वो मन को ही हमको ऐसे बनाना है, इस प्रकार बनाना है कि रोजाना मेरे मन में प्रसन्नचित्ता बनी रहे, इतनी ही हमारे जीवन की तपस्या है। परिपूर्णता मिलता है आत्म साक्षात्कार से ही, परिपूर्णता का अनुभव मिलता है अपने आत्म रूपी सत्ता और सच तक पहुंचने के बाद ही, और आत्म अनुभव ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरा ज्ञान ये आपको पकड़ा कर ही रहेगा। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। जो यहाँ से हमको मिलता है ना, इसलिए मिल रहा है कि हम भी वही प्रेम और प्यार सीख कर बांटना सीखें, बांटना सीखें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। गुरु का प्यार है इतना प्यारा,
सारा गुरु ने आज सवारा, जीवन है हमारा, जीवन है हमारा। मन को और अपने सारे ध्यान को, सारी ऊर्जा को मैं अब में, अभी में, नाउ एंड ओनली नाउ, अब में लेकर आता हूँ। मेरा मतलब किससे है? उस रोशनी से ही है, उस सच से ही है, उस ईश्वर से ही है। बाएं भी वो ही है, दाएं भी वो ही है, और सामने भी वो ही है। हमारा एक ही कार्य है इस जीवन में रहते रहते, एक ही कार्य है, अपने मन को साधते रहो, बस साधते रहो, यही साधना है। मन जो है हमेशा लेने की करता है, वो समझता ही नहीं है कि स्थूल शरीर कितना सीमित है और मन की उड़ान अनलिमिटेड है, बेअंत है। मन की उड़ान बेअंत है। हमारी सारी अमीरी कहाँ पे छुपी पड़ी है? मेरे मन के अंदर। आत्मा अति सूक्ष्म का विषय है, अति सूक्ष्म का विषय है। इसलिए उस आत्मा को महसूस करने के लिए, समझने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए हमको अपने दिमाग को और गहरा और अति सूक्ष्मता की ओर लेके जाना पड़ता है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, हजारों में मेरे गुरुवर है। सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर है। मतलब मेरे को ऐसा एहसास होए कि मुझको मेरी मन की भी जरूरत नहीं है, ये एक ख्याल की भी मुझको जरूरत नहीं है। जहाँ गुरु की नजर में आप आने लग गए, आपका काम जो नॉर्मली 20-25 साल में होता, वो आपका 2-2.5 साल के, 2-2.5 महीने में, 2-2.5 दिनों में फटाक से गुरु की नजर है ना, महिमा है ना। देखो, क्योंकि उनका तप है ना, उनका अंदर में जन्मों का तप है। और वो क्या बोलते हैं कि जो मैंने तप किया, जरूरी नहीं है कि तुम भी करो। हम तो यहाँ बैठे मक्खन खिलाने, नहीं तो कृष्ण का आने का इस जीवन में मतलब ही क्या है, बताओ। हमारे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आती है, सच में अंदर ही अंदर आप कर्म ना बनाओ, उसके बारे में शिकायत करके बोलो हरि ओम शांति, ये हालत भी मुझको उस चावल की तरह पकाने आई है जिससे कि उसके बाद में खिल सकूं। कुछ लम्हे दीदी के संग कर दिया हमें उस आनंद में रंग।